नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ज्योमेट्री सिलेक्शन। ज्योमेट्री एसएससी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं ये बोलूं कि मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है एसएससी के लिए, तो इसका सीधा साधा आंसर होगा ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री से, टायर वन में आते हैं। अगर मैं टायर वन की बात करूँ तो लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ, अगर टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं टायर वन में, तो जो एडवांस मैथ है उससे 12 या 13 क्वेश्चन या 15 तक भी आ सकते हैं। और उसमें ज्योमेट्री का रोल होता है वो 3-4 यहाँ तक कि 5 तक क्वेश्चन तक का भी हो सकता है। ऐसे ही जो 100 क्वेश्चन आते हैं टायर टू में, उसमें ज्योमेट्री का रोल है काफ़ी ज़्यादा होता है, 15 से 16 क्वेश्चन होते हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिलकर टायर टू में लगभग 25-26 क्वेश्चन है सीधा आते हैं। और जो एडवांस मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोग बोलते हैं एडवांस मैथमेटिक्स को आमतौर पे, ये 4 चैप्टर होते हैं, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर आमतौर पर स्टूडेंट इसको डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सबसे आसान चैप्टर लगेंगे अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट समझ लिए और आपने थोड़ी प्रैक्टिस की है। प्रोजेक्ट 400 देखा है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपने अच्छी तरह से देख लिए तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, बिल्कुल आसान से लगेंगे आपको। लेकिन इनका जो रोल होता है वो टायर टू में होगा लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास, और टायर वन में होगा 12 से 13 क्वेश्चन। ऐसे ही अगर एसएससी के दूसरे एग्जाम होते हैं उसमें भी इतनी वेटेज होती है। और इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि प्रॉपर्टीज का रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 50% वेटेज। अगर 15 क्वेश्चन यहाँ पे, अगर 12-13 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 7 क्वेश्चन है वो डायरेक्टली, 7 या 8 है वो प्रॉपर्टी से संबंधित होंगे। बाकी क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन जो डायरेक्ट का रोल आता है वो ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी कर ली ज्योमेट्री में, तो आपकी ज्योमेट्री क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ज्योमेट्री या मेंसुरेशन दोनों ही सेम लागू है कि वहाँ पे अगर फॉर्मूले किए, आपने समझने की कोशिश की, तो आपके क्वेश्चन होंगे, वरना नहीं होंगे। तो मैं आपसे एक तो ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है इनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। और नंबर टू क्या करें आप, कि इनको बार बार रिवीजन करें, और जब तक कि आपको ये टिप्स पे ना आ जाए प्रॉपर्टी, आप क्वेश्चन सोल्व ना करें, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करें, तभी आपके लिए फ़ायदा होगा और फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और हम लोग जो ज्योमेट्री में कवर करते हैं या एसएससी जो कवर करती है, वो क्या क्या है, लाइन्स के बारे में जानकारी लेंगे, एंगल्स के बारे में जानकारी लेंगे, ट्रायंगल के बारे में, फिर क्वाड्रिलेटरल के बारे में, पॉलीगॉन्स और सर्कल, इन 5-6 टॉपिक से क्वेश्चन है वो आते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं लाइन, एंगल और ट्रायंगल, इस लाइन में चलते हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वो होती है जो कभी भी मिलेगी नहीं, दो समांतर रेखाएं हैं, और ये जो रेखा किसको क्या बोलते हैं, इस रेखा को उसको बोले हम ट्रांसवर्स लाइन। ये जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डायग्राम बनाकर नहीं दिया जाता, आपको खुद बनाना है डायग्राम, और उस क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट में लिखा है अगर कि ट्रांसवर्स लाइन है, त्रियक रेखा लिखा हुआ है, दो समानांतर को काटती है डी पे, तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट है तो जब तक आपको पता नहीं होगा ट्रांसवर्स लाइन, तो क्या कैसे समझेंगे। तो ए बी सी और डी ई एफ, ये लाइन है उसको समानांतर लाइन बोलेंगे, और ये ट्रांसवर्स लाइन है। अगर ये यहां पे अब देखते हैं एंगल के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा इनका, ये इस एंगल को बोलते हैं, अगर मैं इनको साइन कर दूं यहां पे ऐसे करके 5, 6, 7 और 8, 1 और 3 जो एंगल होता है, या 2 या 4 एंगल होगा, या 5 और 7 होगा, उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट सम्मुख कोण, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के सामने वाले एंगल को वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये है वो 110 डिग्री, तो ये भी 110 डिग्री होगा, और ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। फिर है जो ये एंगल होता है अंदर वाले एंगल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 120, और यहां पे लिखता हूं, इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा, और इनको बोलते क्या, इंटीरियर एंगल।
इंटीरियर एंगल का जोड़ है हमेशा 180 होगा और एक्सटीरियर एंगल का जोड़ भी तो 180 होगा, इसको और इसको में जोड़ दिया जाए ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये भी 180 होता है। एक बार ये क्वेश्चन आता है आमतौर पे या ये प्रॉपर्टी यूज होती है बहुत जगह पे कि जो बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्शन या बाइसेक्टर ऑफ ए इंटीरियर एंगल, थर्ड एंगल विल बी, ये थर्ड एंगल बनेगा इससे उसका उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन बोला गया है ये है इंटीरियर एंगल, अगर इनका बाइसेक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पे बाइसेक्ट हुआ और यहाँ पे बाइसेक्ट हुआ, ऐसे करने के बाद में जो ये एंगल बनता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये उसकी वैल्यू होगी क्योंकि ये दोनों को बाइसेक्ट किया तो 90 हो गया, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हमेशा होगा, एक आपको याद रखना। फिर है एक जो बिंदु होता है वो उससे कितनी रेखाएं निकल सकती है, ऐसे अगर ये पूछा जाता है कई बार जो आपको पता होना चाहिए, कितनी भी अनंत रेखाएं हैं वो निकल सकती है एक बिंदु से, कई बार ये लिखा मिलेगा आपको ज्योमेट्री में ऐसे करके, इसका मतलब क्या है, ये उसकी वो बात कर रहा है कि एक लाइन है उसके बारे में वो जानकारी दे रहा है और पैरेलल लाइन है उसको सिंबल ऐसे मिलेगा आपको, इस रूप में आपको सिंबल मिलेगा या लिखा मिलेगा दो पैरेलल लाइन है जैसे कि ए बी और या फिर वो इतना ही लिख दे सी डी, तो आपको ये ज़ूम करना है कि ये ऐसे बात कर रहा है वो या ऐसे बात कर रहा है दो पैरेलल लाइन के बारे में। फिर यहां पे हम बात कर रहे थे कौन कौन से टाइप के एंगल है, ये एक आता है कोरस्पोंडिंग एंगल, वो क्या होता है, देखो ये दो लाइन है इस पे जो ये एंगल बना है अगर मैं इसको यहां से ड्रैग करके यहां पे रख दूं तो जो एंगल बनेगा ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं उसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग है, जैसे ये एंगल इसके कोरस्पोंडिंग है, ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एक और 8 है वो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। फिर एक आता है अल्टरनेट एंगल, कौन से होते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल के बारे में जानकारी देखिए कि ऐसे लिखा मैंने जो एंगल ये होगा ये एंगल ये दोनों बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये इसके अपोजिट में इस दिशा में या फिर ये इसके दिशा में, या फिर देखो ये भी इस दिशा में बोल सकते हैं ये अल्टरनेट एंगल हुए, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। 1, 7 जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1 और 7 ये पहले ही दे दिया कि वो अल्टरनेट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, जो हमने पहले डिस्कस किया 1 और 3, 2 और 4 ये सारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर चलते हैं एडजेसेंट एंगल, ये एंगल जानना जरूरी आपके लिए इनकी डेफिनेशन की ये है क्या क्या, अगर बेसिक चीज आपको पता हो ज्योमेट्री की तो उससे आप बहुत सारी चीजें निकाल पाएंगे। देखिए अब एडजेसेंट एंगल एक दूसरे का सटा कर यहां पे, जो हालांकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का मतलब एक लाइन के ऊपर पेयर है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अगर मैं ऐसे भी लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये लीनियर पेयर है, ये एडजेसेंट एंगल है, क्यों, क्योंकि एक के साथ में दूसरा अटैच है, ऐसे करिए दो एंगल, तो इन दोनों का कोण एडजेस्ट एंगल है इस केस में ये 180 डिग्री है, इसमें नहीं है, इसमें 180 डिग्री है। अगर मैं दो पैरेलल लाइन वाली मुद्दे का बात करूं तो हमेशा ये जो दो एडजेस्ट एंगल है इनका जोड़ हमेशा वो 180 डिग्री होगा। फिर है सम ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड टू राइट एंगल होता है, इंटीरियर एंगल जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इनका 180 डिग्री होगा और बाहर वाले होगा भी 180 डिग्री होगा दोनों का जोड़। फिर आता है इंटरनल बाइसेक्टर किसे बोलेंगे, देखो एक एंगल है ऐसे और उस एंगल का मैं दो भागों में बांट दूं, ऐसे करके हम ड्राइंग में पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, ऐसे करके दो भागों में बांट दिया तो ये इंटरनली बाइसेक्ट कर दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, द्विभाजक बना दिया। फिर आता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होता है, देखो ये एक एंगल है, अब ये वाला जो पोर्शन है ये अगर मैं दोबारा बनाता हूं यहां पे, ये एक एंगल है और ये वाला जो पोर्शन होता है
इसको मैं दो भागों में बांट दूं तो ये हो गया एक्सटर्नल बाइसेक्ट, क्योंकि ये तो एंगल था ये वाला एंगल, इसका जो बाहर वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया और जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट हुआ। अब आ जाते हैं एंगल कितने टाइप के होते हैं, एंगल है आठ टाइप के होते हैं। देखें कौन कौन से एंगल होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसको बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री से कम होगा उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर होता है एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल बोला जाता है। फिर होता है ऑब्ट्यूस एंगल, वो कौन सा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा का होगा उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, जैसे कि मान लो ये 120 डिग्री का ऑब्ट्यूस एंगल है। फिर होता है स्ट्रेट एंगल, ये एंगल है वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, 180 डिग्री का होगा स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये सिचुएशन है वो रिफ्लेक्स एंगल की होगी। कंप्लीट एंगल कौन सा होगा, कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का होगा, कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं, ये कंप्लीट एंगल होता है। एक सर्कल में देखो, ये वाला जो एंगल है सर्कल में, ये एंगल है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है 360 डिग्री का। फिर होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है कि अगर दो एंगल है, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, अगर इन दोनों का जोड़ 100, दोनों का जोड़ अगर 90 डिग्री है एंगल एक्स और एंगल वाई, तो इनको एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है। अगर पूछा जाता है कि बताओ ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर एक्स है, एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा, तो हम क्या बताएंगे 90 माइनस एक्स है वो दूसरा है, अगर हम वाई ले लेते हैं दूसरा। तो अगर ये बोला जाता है कि दो एंगल का जोड़, देखो 90 एक्स और फिर एक्स है, ये आ गया ना पूरा 90 डिग्री आ गया। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल का जोड़ दो कोणों का जोड़ है 180 डिग्री होता है उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे कि अगर एक है वो 60 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना हुआ 120 डिग्री हुआ, इसको सप्लाई कर रहा है, इसको पूर्ण कर रहा है, 180 डिग्री हो जाएगा दो कोणों का जोड़, एक्स प्लस वाई है वो 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब हमने क्या किया है, लाइंस कर ली है और एंगल्स किया है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर है ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ट्रायंगल को ब्रॉडर तौर पे दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक साइड के आधार पे और दूसरा है एंगल के आधार पे। साइड के आधार पे तीन टाइप की ट्रायंगल हो सकती है, और वो कौन कौन सी हो सकती है तीन टाइप की ट्रायंगल साइड के आधार पे, एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, अगर इसमें तीनों साइड बराबर हो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगी, समभाव त्रिभुज इसको बोलते हैं वो कहलाएगी समभाव त्रिभुज। फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो जो ट्रायंगल होगी उसकी दो साइड बराबर होती है, दो साइड है इसकी बराबर होगी, ये और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर आगे है कि स्केलन ट्रायंगल होगी, एक वो क्या होगी, अगर ये समद्विबाहु भाजक त्रिभुज है तो जो अगली होगी वो विषमभाव त्रिभुज होगी, जिसमें अगर एक साइड ये है तो दूसरी ये और तीसरी ये, ये तीनों है वो आपस में समान नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है लेंथ में, एक अगर 6 है दूसरी 7 है तो तीसरी 8 है। फिर है कि एंगल के आधार पे एक एक त्रिभुज को कितने भागों में बांटा जा सकता है, वो भी तीन भागों में बांटा जा सकता है एंगल के आधार पे। कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, एक होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका एक कोण है वो 90 डिग्री का हो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। फिर दूसरी होती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगी। याद रहे हमेशा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। फिर आ जाता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होगा, जब तीनों कोण वो 90 डिग्री से कम हो तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ, ज्यादातर हम जो त्रिभुज बनाते हैं ट्रायंगल बनाते हैं वो एक्यूट एंगल होती है।
फिर आता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, अब आनी स्टार्ट हो गई है। आप बोल सकते हैं अभी तक जो हम कर रहे थे वो ज्यादातर शेप के बारे में कर रहे थे, कोई खास प्रॉपर्टी नहीं कर रहे थे, जानकारी बेसिक लेने की कोशिश कर रहे थे। अब है वो वास्तव में प्रॉपर्टी स्टार्टअप हो गई है, तो वो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ये देखिए पहले, सबसे पहले ये एक ट्रेंगल दी हुई है और उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है ए डी और बी डी, देखो ए डी डिवाइड बाई बी डी, ये वाली डिवाइड बाई ये, और ये और ये, इन दोनों का रेशियो है ए ई और ई सी, वो बराबर होगा, ये इस रूप में होगा। मतलब कि अगर ये ढाई है, ये पांच, अगर ये दो है तो ये कितनी होगी, ढाई पांच दो है तो चार हो जाएगी। आप इस न्यूमेरिकल टर्म में याद रख सकते हैं, इससे भूलने की संभावना कम हो जाती है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है इसी में ही, वो ये है कि अगर ये नो दिया हुआ है ये कितना होगा, क्वेश्चन है कि ये ढाई है, ये पांच है, ये दो है तो ये कितना होगा, वो हमने देख लिया चार होगा। फिर दूसरा, अगर ये ढाई है, ये पांच है, ये नौ है तो ये कितना होगा। आमतौर पर क्या है कि स्टूडेंट सीधा जब मार देते हैं और सीधा बोल देते हैं साढ़े चार होगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है, ए डी डिवाइड बाई ए बी, ए ई सॉरी डी ई और बी सी, ये प्रॉपर्टी होती है। अब अगर ये ढाई है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा ढाई प्लस पांच साढ़े सात हो जाएगा, तो ढाई बटे में साढ़े सात, और ये कितना है बी सी, यहाँ पे नौ है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो तीन हो गया, तो तीन से तीन गया कितना आया, इसकी वैल्यू आ जाएगी तीन, तो ये तीन होगा। लेकिन अगर ये पांच होता, ये नीचे पांच होता, हाफ में होता, हाफ पोजिशन पे, तो ये हाफ हो जाता फिर, क्योंकि फिर क्या होता है पांच बटे में दस, पांच यहाँ पे है, ये दस है और ये नौ है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली साढ़े चार होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये साढ़े चार हो जाएगा, लिखा भी है कि डी और ई मान लो अगर मिड पॉइंट है तो जितनी ये वैल्यू उसका हाफ होगी, अगर ये दस है तो ये पांच होगा, बीस है तो ये दस हो जाएगा। किस केस में, जब ये दोनों मिड पॉइंट पे है इन रेखाओं के। अगली प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, इन केस ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी कि अगर ये एंगल बाइसेक्ट किया हो, ये एंगल बाइसेक्ट है इस केस में, देखो ये ऐसे करके दिया हुआ, और जो ये एंगल होता होगा पी क्यू आर में अगर लिखूं ये टोटल है, तो और ये यहां पे मान लो एस है, अगर ये आठ है, ये चार है, ये छह है, तो ये कितनी होगी। इस भाषा में आपको समझा देता हूं, प्रॉपर्टी याद रहेगी फिर। तो ये होता है प्रॉपर्टी आठ बटे में चार, एट बाय फोर और सिक्स बाय ये, मतलब कि ये पी क्यू डिवाइड बाय क्यू एस और पी आर डिवाइड बाय एस आर, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, आठ यहाँ पे, चार यहाँ पे, छह यहाँ पे, तो ये कितना होगा, कितना होगा, ऑब्वियसली क्या है कि थ्री होगा, इसकी वैल्यू थ्री आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, अब आती है कॉन्ग्रूगेंसी। कॉन्ग्रूगेंसी और सिमिलरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से रूल है वो कॉन्ग्रूगेंसी को डिसाइड करेंगे। देखो दो ट्रेंगल है वो कॉन्ग्रूगेंट कब होगी, दो ट्रेंगल आपस में समरूप कब होगी, कब होगी, समान कब होगी, दोनों बिल्कुल एक जैसी, अगर मैं हिंदी में इसको लिखूं हूबहू बिल्कुल समान, तो ए बी, ए बी सी और डी ई एफ कब होगी, जब तीनों की साइड बराबर हो, या तो साइड 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 की, इस एंगल ये ट्रेंगल की तीनों साइड बराबर है, उस केस में ये आपस में दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रूगेंट होगी। कॉन्ग्रूगेंट का मतलब जैसे मैंने बताया कि मिरर इमेज, अगर मैं एक ट्रेंगल को दूसरे पर रख दूं तो बिल्कुल छुप जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कोई है या नहीं है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रूगेंट। दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी कि दूसरी फीचर शर्त कि दोनों दो साइड अगर बराबर हो, जैसे ये साइड और ये साइड अगर बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो ऑब्वियसली ये साइड और ये साइड बराबर थी, ये एंगल बराबर था, तो ये यहीं पे मिलनी है क्योंकि साइड तो बराबर है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो वो ट्रेंगल है ऑटोमेटिक ही कॉन्ग्रूगेंट हो जाएगी। दो साइड अगर बराबर होगी और एंगल बराबर है तो, या कोई भी एंगल बराबर है, दो साइड बराबर है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्ग्रूगेंट होगी। फिर है कि अगर दो एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड,
तो क्या होगा, देखिए एंगल साइड एंगल, अगर ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है और ये साइड बराबर है, कोई भी साइड बराबर है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहां पे काटेगा क्योंकि और कोई चारा नहीं है, और फिर उस केस में ये और ये भी बराबर हो जाएगी जब ये बराबर थी, तो फिर हमेशा ही वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगी, एक दूसरे को कवर कर देगी, ढक देगी। फिर है राइट हैंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, RHS जिसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, फिर हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस दोनों बराबर है, ये बताया गया कि एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूस बराबर है, और एक साइड बराबर हो, एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब ये दे दिया और ये दे दिया और ये दे दिया तो ऑब्वियसली जो यहाँ दोनों केस में यहीं पे कटेगा ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, ये और ये बराबर हो जाएगी, उसको बोलते हैं RHS। अगर ये तीन कंडीशन हो, चार कंडीशन हो, इसमें से कोई भी हो जो सेटिस्फाई करे, तो उस केस में दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब चलते हैं सिमिलरिटी क्या होती है ट्रायंगल की, सिमिलरिटी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, और वो क्या है, और ये दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो उसमें था कि बहुत दोनों है एक दूसरे कवर कर रही थी कॉन्ग्रुएंसी में, यहां पे देखो ये है और ये दोनों सिमिलर है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा, सिमिलर है, लगभग वैसा है, सेम नहीं है, सिमिलर है, उसको उस ट्रायंगल को, इन दोनों को बोलेंगे सिमिलर। और कब होता है ये, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर ये एंगल है तीनों बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, लेकिन ये साइड समान नहीं है, अगर समान होती तो कॉन्ग्रुएंट हो जाती। आप बोल सकते हैं कि सारी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकती है ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि सारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है, लेकिन सारी सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अगर यही हम पीछे जो एग्जाम्पल ले रहे थे दो ट्रायंगल का, ये और ये, फिर कॉन्ग्रुएंट है, और जो कॉन्ग्रुएंट होती है वो सिमिलर भी होती है, लेकिन सिमिलर कोई जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में देख लिया यहाँ। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी एग्जाम पॉइंट व्यू से, जो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ, अगर मैं इसको ए बी और सी, पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल का लूं, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, ये उसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड होती है, कोरस्पोंडिंग का मतलब इसके साथ इसकी, इसके साथ इसकी और इसके साथ इसकी, उसके साइड साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। जैसे ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यू स्क्वायर, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ पी क्यू आर है, यहां पे भी लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, साथ में क्या होगा, या फिर बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है एक। दूसरी, ये तो एरिया से रिलेटेड थी, दूसरी है पैरामीटर से रिलेटेड। दो ट्रायंगल है यहीं पे, यही ले लेते हैं या ये भी ले लो सही, इसका जो पैरामीटर होगा, अगर मैं बात करूं ए बी पैरामीटर की बात कर रहे हैं, पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, पैरामीटर पैरामीटर वो किसके बराबर होगा, इस रेशियो में बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है उसके बराबर होता है। जैसे पैरामीटर ऑफ एबीसी, पैरामीटर ऑफ पी क्यू आर है, तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, बी सी, इसका मतलब अगर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, और एक का अगर एरिया दिया हुआ है तो दूसरे का निकल सकता है, और ये फिर बी सी किसके होगा, बी सी होगा क्यू आर के और ए सी होगा पी आर के बराबर। ये था सिमिलरिटी से रिलेटेड जानकारी कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और पैरामीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। अब आता है चार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, और वो चार क्या क्या है,
एक होता है ऑर्थो सेंटर, दूसरा होता है सेंट्रो, दूसरा होता है इन सेंटर और तीसरा होता है सर्कम सेंटर और चौथा होता है सेंट्रोइड। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में हम अगले प्रेजेंटेशन में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे और इन्हीं से ही मेन क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट इन्हीं में फंसते हैं। स्पेशली जो सेंट्रोइड है उसकी प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकियों की भी प्रॉपर्टी होती है, क्वेश्चन भी इन्हीं से आते हैं, तो वो अगली प्रेजेंटेशन में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।